ओके, मैं डॉक्टर पोरू दाबर हूँ, एनके दाबर कैंसर फाउंडेशन से। हमारी जो एनजीओ है उसकी स्थापना 2011 में हुई थी। हमारे चार ऑब्जेक्टिव्स है। एक है जो हम लोग फाइनेंशियली हेल्प करते हैं कैंसर पेशेंट्स को, यानी कि ट्रीटमेंट में रेडिएशन हो या सर्जरी हो या कीमोथेरेपी हो, तो हम लोग जितना हो सकता है उतना उनको ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। कोई कोई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिसको हम लोग ने फ्री ट्रीटमेंट के लिए भी किया है अलग अलग हॉस्पिटल में। दूसरा हम लोग का लक्ष्य है कैंसर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस। कैंसर जितना जल्दी पकड़ सकते हैं उतनी उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अच्छी तरह से। कैंसर का एसेंस वही है, टाइम इज़ द मेन एसेंस इन कैंसर ट्रीटमेंट। जितना जल्दी स्क्रीनिंग, जितना जल्दी डिटेक्शन, उतनी बेटर ट्रीटमेंट। थर्ड है हम लोग का प्रोजेक्ट, जहाँ पे अभी आप लोग बैठे हैं, इसका नाम है ऑन केयर। यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, नॉट ओनली के लास्ट स्टेज पे हो आप आओ इधर, डे वन से आपका जैसे डायग्नोसिस हो गया आप इधर आ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पे डे केयर है। हमारा ये गोल है, हमारा ये विजन है कि हम लोग इसको रेजिडेंशियल बने। दूर दूर से कैंसर पेशेंट आते हैं, कहाँ कहाँ से भी आते हैं, झारखंड, गुजरात, फिर उत्तराखंड, सब जगह से आते हैं कैंसर पेशेंट। तो उनको रहने के लिए यहाँ पे हम लोग सुविधा करें, यहाँ पे पूरा दिन बिताए, जब भी वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते वो दिन वहाँ यहाँ पे आके स्पेंड करें, एटलीस्ट उतना उनका टाइम, उनका एटलीस्ट दिमागी शक्ति बढ़ सकती है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है उनको। और चौथा, हाँ जी, यहाँ पे कितने लोग एक साथ में? एटलीस्ट 25 to 30 पीपल एट अ टाइम हम लोग अभी केटर कर सकते हैं यहाँ की एक्टिविटीज़ के लिए। मैम मालूम कैसे पड़ते हैं लोगों के लिए कैंसर है? वही हम लोग का एक चैलेंज वही है, और उसमें आप लोग हम लोग को हेल्प कर सकते हैं मीडिया के थ्रू से। अभी क्या हो रहा है, एक पेशेंट दूसरा पेशेंट को बोल रहा है तो पेशेंट्स आते हैं। हम लोग भी जाते हैं ऐसे धर्मशाला में, ऐसे दूसरे कैंसर एनजीओज में जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो पेशेंट का जो है माउथ वर्ड टू वर्ड जो है वो बेस्ट है। एक पेशेंट अपना एक्सपीरियंस दूसरे पेशेंट को बोलता है और दूसरा पेशेंट को लेके आता है, और यहाँ पे पेशेंट्स एन्जॉय करते हैं। हम लोग का वही है, ट्राई कर रहे हैं हम लोग के सबको मालूम पड़े ये सुविधा, लेकिन उसमें एक चैलेंज हो रहा है हम लोग को। कैंसर फाउंडेशन की एक ट्रस्टी हूँ, और ऑन केयर की बेसिकली देखभाल मैं करती हूँ, मैं उसका पूरा दिन इधर ही बिताती हूँ। और ऑन केयर हमने शुरू इसीलिए किया क्योंकि हमको लगा कि कैंसर सिर्फ एक पेशेंट को नहीं होता है, उसकी पूरे फैमिली को अफेक्ट करते हैं। और जैसे मैडम ने भी बताया, उसकी सिर्फ ट्रीटमेंट से काम नहीं चलता है, उसकी मानसिक स्थिति को भी सुधारना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमने ऑन केयर प्लान किया और शुरुआत की है। ऑन केयर अभी फ़िलहाल 2017 अक्टूबर से चल रहा है, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में भी आई थिंक करीबन 200 से ज़्यादा पेशेंट्स की हमने इधर मदद की है, जो खुद भी आते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स को भी जो भी इमोशनल स्ट्रेस है, फिज़िकल स्ट्रेस है, उसको जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो ये कैंसर क्रैश जैसे भी है, जो फैमिली मेम्बर्स पेशेंट को इधर हमारे पास छोड़ के जाते हैं और पूरा दिन वो अपने आप का अपने काम में बिता सकते हैं। उसके अलावा हम अलग अलग प्रकार से पेशेंट्स की इधर ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर्स एंड नर्सेस तो है ही हमारे पास, लेकिन योगा है, म्यूजिक थेरेपी है, डांस थेरेपी है, ऐसी अलग काफ़ी तरीके की ट्रीटमेंट्स थेरेपीज के थ्रू से हम पेशेंट और उनके फैमिलीज दोनों को हेल्प करते हैं। और हमारे दूसरा भी एक जो फोर्थ गोल मैम बताने वाली थी वो जो है एजुकेशन टुवर्ड्स डॉक्टर्स। हम दूसरे डॉक्टर्स को भी एजुकेट थ्रू CMEs एंड कॉन्फ्रेंसेस करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे अगेन डॉक्टर पौरू ने बताया, मेन इम्पोर्टेंस है कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के लिए। फिलहाल प्रॉब्लम ये होता है कि बाय द टाइम पेशेंट्स ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं वो बहुत लेट हो चुका होता है, बहुत एडवांस कैंसर्स हो जाते हैं। इसके लिए हमारी ये भी एक कोशिश है कि हम डॉक्टर्स को कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के द्वारा उनको कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताए सके, जो फैमिली फिजिशियंस है, फैमिली प्रैक्टिशनर्स है, कि वो लोग पेशेंट्स को जल्दी हमारे पास पहुँचा सकते हैं।
वो हमारी कोशिश रहती है। और ऑन केयर की ये सुविधा टोटली फ्री है? यस, उसके अलावा खाली इधर की नहीं, लेकिन हम ट्रांसपोर्ट भी देते हैं, खाना पीना भी देते हैं और सब कुछ, बिकॉज ये हॉस्पिटल के अंदर है, सब कुछ वेल बैलेंस मील्स मिलते हैं उनको और काफ़ी सारी अलग मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, वो सब हम देते हैं। ओके मैम, जैसे कि आपने कहा कि कैंसर सर्विसेज आप फ्री प्रोवाइड करते, जो यहाँ पे जो ऑन केयर में जो है वो सर्विसेज फ्री है, जो हम लोग यहाँ पे थेरेपीज जो कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, न्यूट्रिशन, फ्री फूड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, वो सब फ्री है यहाँ पे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को लिम्फ एडिमा होता है, बहुत पॉपुलर लिम्फ एडिमा ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ को, वो हम लोग उसका एक्सरसाइज, उसका पूरा निदान यहाँ पे फ्री कराते हैं। कितने वॉलंटियर्स हैं आपके पास, और अगर कोई जुड़ना चाहे किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं वॉलंटियर्स? हमारी एक वेबसाइट भी है, हमारे ऑलरेडी आप देख सकते हो काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं, करीबन 100 जितने तो होंगे ही होंगे। और हर एक प्रोजेक्ट हम लोग अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, उसका एक ग्रुप अलग से है, हर एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे अलग वॉलंटियर्स हैं। हमारी वेबसाइट है जिसके थ्रू से वॉलंटियर्स ऐड हो सकते हैं। हमको ज़्यादा वॉलंटियर्स की ऑफकोर्स ज़रूरत है, तो जितने ज़्यादा आएंगे हमारी मदद करने के लिए उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हमारी वेबसाइट पे जाके वो उनके थ्रू से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो द वेबसाइट इज www.dhabarcancerfoundation.org। सी, एक तो वेरी फ्रेंकली कैंसर का एब्सोल्युटली 100% रीज़न किधर भी वर्ल्ड में अभी तक हुआ नहीं है। सब लोग अपना ये अनुमान लगा रहे हैं, एक तो प्लास्टिक है, एक तो पोल्यूशन है, ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक, पोल्यूशन, ये सब एक एक रीज़न है। टबैको, यूज़ ऑफ टबैको, मिस यूज़ ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सब्सटेंस अब्यूज जिसको बोलते हैं, अल्कोहल, वो सबका रीज़न है। लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल सपोज ओबेसिटी है, फिर आप सपोज एक्सरसाइज नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपका है, तो उसमें भी कैंसर का इंक्रीज है। ब्रेस्ट कैंसर का एक छोटा परसेंटेज ही जेनेटिक का है, बाकी लाइफस्टाइल डिजीज उसको बोलते हैं। मेन जैसे मैंने आपको बोला ओबेसिटी, अल्कोहल, स्मोकिंग, दीज आर ऑल द रीजन, वन ऑफ द रीजन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, लेट मैरिज, फिर लेट प्रेगनेंसी, लेट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दीज आर वन ऑफ द रीजंस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ओके, लोगों तक पहुंचे तो इट इज अ वेरी नेसेसरी ब्रांड एंबेसडर फॉर योर कैंपेन। हां, आर यू प्लानिंग टू गेट द बॉलीवुड सेलिब्रिटी टू कम आउट एंड टू गेट अ मोर अवेयरनेस क्रिएट, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। यस, इफ बॉलीवुड सेलिब्रिटी कम दिस विल बेनिफिट्स मोर, दैट विल बी गुड, बट रियली हम लोग ने इतना ऐसा टारगेट नहीं किया है। एक दो सेलिब्रिटी है जो हमारे साथ है, लेकिन मीन्स नॉन कैंसर पर्सन इज देयर विथ अस, बट इतना कुछ ये हम लोग ने ज़्यादा ये नहीं किया है इसमें। हाँ, वी वुड लाइक, वी आर मोस्ट वेलकम, हम लोग के साथ जुड़े तो। यस, बट द अदर प्रॉब्लम आल्सो इज फाइनेंशियल, वी लाइक फाइनेंशियली हम लोग, सी आवर एनजीओ इज फोकस्ड टुवर्ड्स पेशेंट्स, वी आर एब्सोल्युटली पेशेंट सेंट्रिक, हेंस एवरी पेनी दैट वी गेट वी ट्राई टू डिवोट टू द पेशेंट्स, हेंस गेटिंग अ सेलिब्रिटी इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर एंड आई डोंट नो वेदर एट दिस स्टेज वी कैन अफोर्ड इट। जो सेलिब्रिटी फ्री आ सकते हैं तो वी आर वेलकम, हम लोग उनको पूरा हैंड खुल के उनका वेलकम करेंगे। एब्सोल्युटली, लेकिन हम लोग का क्या है, ये एनजीओ ऐसा एनजीओ जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो है बिल्कुल वो एकदम कम से कम है, ऐसा कोई कॉर्पोरेट एनजीओ नहीं है। हम लोग का जितना खर्चा हो सकता है उतना हम लोग कम अपने ऊपर, मीन्स ऑफिस के ऑफिशियल वर्क के में करते हैं, जितना हो सकता है उतना पेशेंट के ऊपर डालते हैं। ज़रूर, तो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट इधर से मेंबर है जीतू, जितेंद्र है, जितेंद्र बिहार बेगूसराय से आया है, वो मुंबई में अभी आई थिंक करीबन 2 साल से रह रहा है और इधर ऑनकेयर में ऑलमोस्ट एक साल से के ऊपर से आ रहा है। सागरिका कैलकटा से आई है उनके हस्बैंड के साथ, और जैसे मैंने बताया हस्बैंड का तो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मुंबई में रहना, फैमिली से दूर रहना, उनके लिए, उनको भी काफ़ी स्ट्रेस
हो रहा था, आई थिंक अभी काफ़ी बेटर है वो. ये मैडम हमारे साथ पहले भी आए थे, वो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है. ये भी बेगूसराय से है, आप झारखंड से है, आप झारखंड से हैं और अभी फिलहाल फॉलोअप के लिए आए हैं, तो फिर भी हमारे वहाँ ऑन केयर में आज मौजूद है क्योंकि उन लोग को अच्छा लगता है. नॉर्मली ये सब बारगांव के लोग हैं, धर्मेंद्र मुंबई से ही है और वापस आई थिंक ऑलमोस्ट एक साल के ऊपर से धर्मेंद्र हमारे साथ ऑन केयर में आ रहे हैं. आप बिहार से हैं? ओके. आप थोड़ा सा कुछ बताइए, कैसा लगा आप यहाँ पर आकर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? गेम्स, म्यूजिक कैसा लग रहा है और लोगों को क्या कहना है? पहले तो मैं मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये ऑन केयर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों को के लिए वो इन्होंने ये बनाया है. एज ए पेशेंट केयर गिवर के लिए मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है, मैं बहुत डर गई थी. सर से मिलने के बाद उन्होंने मुझे हौसला दिया कि नहीं, ट्रीटमेंट चालू रखिए. तभी उन्होंने मुझे यहाँ का बात बताया, ऑन केयर के बारे में बोला, तो मैं पहली बार इधर आई. मुझे मेरा माइंड पूरा चेंज हो गया. यहाँ पर म्यूज़िक थेरेपी, डांस थेरेपी, योगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो हम लोगों को इतना जानकारी नहीं थी. पर यहाँ पे आके उन्होंने पूरा हम लोगों को गाइड किया. तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हम लोगों का देखने का जो नज़रिया है कैंसर के ऊपर, वो चेंज हो गया है. थैंक यू. आप कुछ बताना चाहेंगे बेगूसराय से, बिहार से आए आप, डेढ़ साल बॉम्बे में हो चुका है, कैसा रहा है, थोड़ा सा कुछ बताना चाहिए और ऑन केयर में किस तरह से आपको फ़ायदा मिला है? मैं जब यहाँ आया तो मेरे लिए नया शहर, नया भाषा, नए सब कुछ था. ऐसे अकेला फील कर रहा था, ट्रीटमेंट करा रहा था. जब इधर में जुड़ा ऐसे लगा जैसे कोई एक फैमिली की तरह हम लोग हैं. कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता था, मैम को फ़ोन करते थे, चाहे दिन हो या रात. कभी भी छोटी भी प्रॉब्लम होता तो ऐसा लगता था कोई है मेरे कोई सहारा देने वाला. और यहाँ आने के बाद केमो 21 दिन में एक बार लेते थे हम, तो बाकी के दिन सोए रहते थे. तो इधर से गए थे, हमको लाए हाँ, उसके बाद तो फिर इधर मन लगने लगा, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी. तो एक दिन भी मैं जब डॉक्टर का जिस दिन ओपीडी रहता था उसी दिन मैं इधर नहीं आता था. तो बाकी सैटरडे संडे हम लोग उधर बोर होते हैं, इधर आते हैं तो मन लगा था. बिहार से आए हैं, यहाँ पर ऑन केयर में आके कैसा आपको कुछ फ़ायदा लगा आपको यहाँ पे आके? जी सर, हम तो पहली बार आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा. ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ है, बहुत जानकारी भी दिया है यहाँ से, बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट भी है. हमको ये 8-9 महीना हो गया. 8-9 महीने में क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है सर, बहुत अच्छा. आप कुछ बताना चाहेंगे? आपको भी काफ़ी गंभीर बीमारी थी, थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हमको 1 साल पहले थी, ट्रीटमेंट के लिए हम आए थे, तो 1 साल पहले हम आ चुके हैं बम्बई. तो बम्बई में ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो जितेंद्र भाई हैं तो बोले यहाँ सोई सोई क्या करती हो, चलो. तो वही उनके साथ यहाँ आए तो मन लगने लगा, फिर आ गए. और अभी हम 6 महीने के बाद फिर रिटर्निंग फ्लॉप में आए हैं, तो फिर अभी खाली दिन बैठे बैठे क्या करें, तो फिर इधर आ गए, मन लगता है. तो डाइट बताया जाता है, खाना है क्या नहीं खाना है, उससे कितना फ़ायदा हुआ आप लोगों को? बहुत फ़ायदा हुआ है. हम लोग को जानकारी नहीं है कैंसर के बारे में, क्या खाना है नहीं खाना है, हम लोग तो कुछ जानते नहीं हैं. इधर आके बताया गया तो जानकारी मिला. लोगों से क्या कहना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए लोगों को? हाँ, हम सब पेशेंट को, जितना भी पेशेंट मेरे साथ मिलेगा उनको बोलेंगे आपको वहाँ आना चाहिए, वहाँ से कुछ सीखना चाहिए. योगा सिखाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं, दिमागी संतुलन अच्छा रहेगा, चिंता मुक्त रहेंगे. Thank you so much.